तो जय भोलेनाथ। महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ को चढ़ाइए ये पांच सामग्री, दूर होंगे जीवन के सभी कष्ट। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक नए वीडियो में। वैसे तो महाशिवरात्रि एक बड़ा पर्व होता है और इस दिन जो व्रत रखता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कॉमेंट में बम बम भोले जरूर लिख दीजिएगा। महाशिवरात्रि पर आपको ये पांच काम नहीं करना है। आइए फटाफट से जान लेते हैं कि कौन से पांच चीजें आपको चढ़ानी चाहिए जिससे आपका भाग्य खुल जाए। फटाफट से बताएंगे, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दरअसल दोस्तों, महाशिवरात्रि यानी भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का वो खास दिन बस आ ही गया है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि 8 मार्च को मनाया जाएगा या 9 मार्च को, तो इस कंफ्यूजन में आप मत रहिएगा, 8 मार्च को ही महाशिवरात्रि होगी। लेकिन आपको बता दें, इस दिन बारात निकलती है शिव जी की और परंपरा के अनुसार भगवान शिव पार्वती का विवाह भी होता है। हिंदू धर्म में महादेव की पूजा उपासना का बड़ा महत्व है। भोलेनाथ की आराधना का ये महापर्व महाशिवरात्रि फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाएगी और ये 8 मार्च को होगा। ऐसे में ज्योतिषाचार्य पंडित संजय उपाध्याय बताते हैं कि महाशिवरात्रि पर भगवान भोले की पूजा में बेलपत्र जरूर शामिल करना चाहिए। वैसे तो सभी महिलाएं, सभी कुंवारी लड़कियां, यहां तक कि पुरुष वगैरह भी इसको जानते हैं और बेलपत्र चढ़ाते हैं, लेकिन कई लोग गलती कर जाते हैं। बेलपत्र में छेद नहीं होना चाहिए, बेलपत्र टूटा नहीं होना चाहिए, बेलपत्र 3 पत्तियों वाला ही चढ़ाना चाहिए। इन बातों को भी आपको ध्यान देना होगा। वही अक्षत और काला तिल भी आप अर्पित करिएगा। संजय उपाध्याय बताते हैं कि अभिषेक और बेलपत्र के बाद शिवलिंग चंदन का लेप लगाना चाहिए, यानी आप पूरी विधि के साथ पूजा करिएगा। आपको बता दें, अक्षत और काला तिल अर्पित करिएगा। सभी तरह की बाधाओं से अगर आपको मुक्ति चाहिए तो आप ये जरूर करिएगा। इसके अलावा जीवन में पाप भी नष्ट हो जाते हैं, घर में कलेश भी खत्म हो जाते हैं। वही पंचामृत से करिएगा शिवलिंग का अभिषेक, यानी आप दूध, दही, शहद, शक्कर, देसी घी से पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करिएगा, जैसे आप रुद्राभिषेक वगैरह करते समय करते हैं। अगर आप कभी रुद्राभिषेक किए होंगे तो आपको पता होगा। फिलहाल मदार की माला चढ़ानी चाहिए, ऐसा करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, भक्तों की मनचाही मुरादे पूरी करते हैं। तो बस यही सब करना है, यानी आपको पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करना है, आपको बेलपत्र चढ़ाना है, आपको केतकी का फूल नहीं चढ़ाना होगा, साथ ही तुलसी के पत्ते भी नहीं चढ़ाने हैं। इन सभी बातों को आप ध्यान दीजिएगा, वरना अशुभ भी होता है। तो जो जो चीजें बताई गई है वो सिंपल है और साधारण है। भगवान भोलेनाथ की पूजा में कुछ बहुत करना नहीं होता है, सिर्फ जल का अभिषेक करना होता है और साथ ही बेलपत्र चढ़ाने होते हैं। आई होप कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं नए जानकारी, नए अपडेट के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।